हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का की प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के जीए के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल की प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जीए बाई शुभम, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट डज ई स्टैंड फॉर ESG? तो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस हो जाएगा, ई का स्टैंड हो जाएगा इन्वायरमेंटल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हु इज द ऑथर ऑफ बुक बिजनेस सूत्र? तो इसका हो जाएगा देवदत्त पटनायक हो जाएगा, ये बुक लिखा है देवदत्त पटनायक ने बिजनेस सूत्र। एंड इन विच ईयर वॉज टाइगर डिक्लेयर एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये 1972 में डिक्लेयर किया गया था। एंड वेन इज बिरसा मुंडा डे सेलिब्रेट? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है बिरसा मुंडा डे। एंड हाउ मेनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर देयर इन इंडिया? तो ये टोटल 29 है इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एंड नेम द टू बीचेस दैट वर अवार्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? तो कोवलम इन केरला हो जाएगा एंड ईडेन बीच हो जाएगा आपका पुंडीचेरी में। इन दोनों बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। एंड गरीब कल्याण योजना हैज बीन एक्सटेंड टिल व्हाट टाइम? तो 31 मार्च 2022 तक इसे एक्सटेंड किया गया गरीब कल्याण योजना को। एंड विच बैंक इज प्रेजेंटली अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ RBI? तो ये है सेंट्रल बैंक, है अंडर PCA के अंडर है अभी। एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विथ विच फर्म फॉर इंश्योरेंस? तो ये है बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। एंड वाट इज द प्रेजेंट SLR? तो ये 18% है अभी SLR प्रेजेंट में। एंड स्पिनी मार्केट प्लेस इज फॉर, तो यहाँ पे बाई सेल यूज्ड कार का यहाँ पे होता है स्पिनी मार्केट में। एंड विच इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो ये केरला है, सबसे ज्यादा रबर यहीं प्रोड्यूस होते हैं। एंड थीम ऑफ हरविंजर बाई RBI, तो हरविंजर स्कीम तो आपको थीम बताना है जो RBI ने लॉन्च किया है। तो इसका थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, ये हरविंजर स्कीम का आपको थीम हो जाएगा। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन लोन प्रोवाइडेड टू इंडिया बाई ADB? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितना प्रोवाइड किया है लोन वैक्सीन के लिए? तो ये $1.5 बिलियन इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को। एंड विच स्टेट इज नॉट इंक्लूड ऑन इनर लाइन परमिट? तो इसमें सिक्किम नहीं है इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है मणिपुर, है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, ये सब इंक्लूड है इनर लाइन परमिट में। एंड वर्ल्ड बैंक हैज पार्टनर विथ हुम टू फैसिलिटेट ए प्रोग्राम फॉर फास्टर एंड इजियर फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कौन कौन साथ आ रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ? तो ये नीति आयोग एंड SBI साथ आ रहे हैं इस प्रोग्राम में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। एंड विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सोलर चक्र मिशन? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने सोलर चक्र मिशन। एंड वेयर वॉज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? तो ये देहरादून में एस्टेब्लिश है और इसे 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बिकम शेड्यूल्ड बैंक अंडर विच एक्ट? तो ये RBI एक्ट 1934 सेकेंड शेड्यूल के अंडर ये शेड्यूल बैंक बना है। एंड INS विशाखापट्टनम इस टाइप ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर? तो ये INS विशाखापट्टनम है। एंड हेड ऑफ OBC कमेटी, तो हेड कौन है OBC कमेटी के? तो ये है जस्टिस रोहिणी है, इन्हें रोहिणी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, हेड ऑफ OBC कमेटी। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एम्पर ऑफ ऑल मालदीव्स? तो ये लिखा है बुक सिद्धार्थ मुखर्जी ने। एंड विच कंपनी गेव द हाईएस्ट प्रॉफिट एवर बाई एन इंडियन फर्म इन Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 2022? तो ये है ONGC कंपनी है जिसने सेकेंड क्वार्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। एंड विच बैंक हैज लॉन्च QR कोड साउंड बॉक्स? तो ये लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने।
एंड हेड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के हेड कौन है? तो ये है यूके सिन्हा है इसके हेड। एंड विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? तो ये है नॉर्थ अमेरिका है थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एंड व्हाट इज द मिनिमम CRAR फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक? तो ये है 9% है CRAR। एंड INS बेला इज विच क्लास सबमरीन? तो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है ये INS बेला। एंड द अमाउंट अंडर PLI स्कीम फॉर सोलर सेल विल बी इंक्रीज टू? तो ये 4,500 से 24,000 करोड़ इसे कर दिया गया है PLI स्कीम को। एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बिगिन कंस्ट्रक्टेड विथ हेल्प ऑफ जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG। तो ये बना रहे हैं जूरिक एयरपोर्ट इसमें होगा। एंड वेयर इज द खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी लोकेटेड? तो ये पटना में है, बिहार में है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। एंड व्हाट वाज द टोटल वैल्यूएशन ऑफ IPO ऑफ पेटीएम? तो टोटल वैल्यूएशन हो जाएगा 18,300 करोड़ हो जाएगा पेटीएम के IPO की वैल्यूएशन। एंड एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये बिहार था टॉप स्टेट में एंड दिल्ली था यूटी में टॉप पर। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो ब्रिक्स बैंक को ही कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों कहते हैं ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आप लोग याद रखना। एंड PMAYG स्कीम इज सेलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट यूजिंग ए प्रोसेस टू मेक यूज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इन विच ईयर वॉज दिस SECC लॉन्च? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2011 में। एंड एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस सर्वे डाटा फॉर 2019 एंड 21 इंडियाज पॉपुलेशन सेट टू डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट? तो ये घटा है। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल? तो मैक्लियोडगंज धर्मशाला में है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल का हेडक्वार्टर। एंड विच बैंक हैज अराइज 3,595 करोड़ बाई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? तो ये ICICI बैंक ने अराइज किया है। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज बाई RBI ऑन टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड? तो RBI ने 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया था यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस पे। एंड आइसोबैरिक लाइन ड्रॉ ऑन द मैप रिप्रेजेंट विच क्वांटिटी टू द सेम? तो ये कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। एंड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट एग्री फॉर ट्रांजिशनल अप्रोच ऑन इक्वलाइजेशन लेवी एंड डिजिटल टैक्स ऑन ई कॉमर्स सप्लाइज एट व्हाट रेट? तो ये 15% इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट 15% पे माने हैं। एंड रुचिर शर्मा हैज क्विट विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने रुचिर शर्मा ने छोड़ा है रिसेंटली। एंड वेयर इज चुम्बी वैली लोकेटेड? तो ये तिब्बत में है चुम्बी वैली। फॉर विच टाइप NBFC देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ओम्बड्समैन? तो ये NBFC को चाहिए एसेट साइज ऑफ 5,000 करोड़ एंड अबव के लिए इंटरनल ओम्बड्समैन इनको चाहिए NBFC को। एंड विच कंपनी हैज सेट अप 8 मिलियन टन पर एनम क्रशिंग एंड वॉशिंग प्लांट एट खॉन बॉन्ड आयरन एंड मैंगनीज माइन नियर जोडा इन क्योंझुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? तो इसका कौन सी कंपनी सेटअप कर रही है? तो ये टाटा स्टील सेटअप कर रही है उड़ीसा में क्योंझुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड विच इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स? तो ये कौन सा पार्ट नहीं है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर? तो ये असम राइफल इनके अंडर नहीं है, इनके अंडर है BSF है, CRPF है, CISF है एंड ITBP है और SSB है। सेंट्रल आर्म्ड
पुलिस फोर्स के अंडर एंड ईयर ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये कब हुआ था लागू? तो ये 1982 में लागू हुआ था, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी एंड इन विच सिक्योरिटी यू कैन नॉट इन्वेस्ट अंडर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इसका अभी मेरे को मिला नहीं है, मे भी मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। एंड द फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर? तो 1992-3 में ये कंडक्ट कराया गया था, फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कंडक्ट कराया गया था 1992-93 में। एंड थैंक यू गाइस, जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।